भारतीय सड़कों पे आपको कई तरह के प्राणी मिलेंगे। ओवर स्पीडिंग करने वाले प्राणी, रोड रेज करने वाले प्राणी, ऐसे एक रॉन्ग साइड चलाने वाले प्राणी भी होते हैं जिनको वन वे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब कानून की ऐसे धज्जियां उड़ाओगे तो कानून भी तो जवाब देगा ना। ऐसा ही कुछ हुआ पुणे में, जहां जनता का पहली बार सामना हुआ टायर किलर से। टायर किलर एक सिंपल डिवाइस है जो एक स्पीड ब्रेकर जैसा काम करता है राइट साइड आने वालों के लिए, पर अगर रॉन्ग साइड आए तो। पुणे के बाद ये टायर किलर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में भी लगाया गया। भाई इरादे तो सिंपल थे, रॉन्ग साइड ड्राइविंग को रोकना, पर गड़बड़ हो गई। गुजरात में ये टायर किलर 2 दिन के अंदर खराब हो गए। नोएडा के लोगों ने तो इस टायर किलर को बाईपास करने का तरीका निकाल लिया, जहां एक आदमी स्पाइक्स को पैर से होल्ड करता और ड्राइवर आराम से गाड़ी निकाल लेता। लोगों ने इस टायर किलर के सेफ्टी पे भी सवाल उठाए, जो एक्सीडेंट के सिचुएशन में डेडली हो सकता है। अब ये टायर किलर पैसे की बर्बादी है या एक जेन्युइन कोशिश, ये आप कमेंट से बताएं। बाकी ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू कास्ट 24।